वाले हैं, स्टार हेड के आपके स्क्रू वगैरह है, तो उसके लिए क्या है, ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलेंगे, उसके लिए आपको इस तरीके से स्टार की चाहिए होगी। तो हमें को बाहर निकालना होगा, तो इसको नॉर्मली क्या है, अंदर पुश करके फिर बाहर झटके से खींचेंगे तो बाहर आ जाएगी। निकालिए इसको, और यहाँ के भी खोल लेने हैं आपको, फ्रंट के यहाँ देख सकते हैं ये ड्रेनेज के लिए होते हैं, वहाँ पे भी स्क्रू लगे होते हैं, उनको भी हटा लेना है आपने। अब ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच। मैं आशा आर्य से ट्रेनर, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन को डिसअसेंबल किया जाता है, मतलब कि किस तरीके से खोला जाएगा, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है, सारा आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार लोगों को नहीं पता होता है कि पहले स्टेप क्या करें, पहले कौन सी चीज खोली होती है, उसके कारण क्या दूसरी चीज अटक रही होती है। तो आपको पूरा प्रॉपर अभी सीखने को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप कि किस चीज़ों को पहले खोलना होगा, क्या क्या टूल्स यूज किए जाते हैं। तो आज आपको पूरा ये इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो स्किप ना करें और अंत तक बने रहे हमारे साथ। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास ये रही वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन रखी हुई है। अभी हम इसे डिसअसेंबल करेंगे, टूल्स हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिए हैं। इसके जो स्क्रू है आप देख सकते हैं, इसके हेड जो है वो स्टार वाले हैं, स्टार हेड के आपके स्क्रू वगैरह है, तो उसके लिए क्या है, ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलेंगे, उसके लिए आपको इस तरीके से स्टार की चाहिए होगी। तो हमारे पास है ये ऑलरेडी, आप देख सकते हैं इसमें नंबरिंग ऑलरेडी मेंशन होती है, जिस नंबर के आपके अंदर स्क्रू जिस साइज के लगे होंगे उस साइज का आपके स्क्रू ले लेंगे, ये स्टार की ले लेंगे। तो सबसे पहले बैक साइड में हम इसके क्या है, इसको अपर कवर खोलेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कि पीछे बैक साइड में स्क्रू लगे रहते हैं, स्टार की से इसको खोलेंगे, ओपन करिए। तो ये खोल दिया है और इस साइड ऐसे इसको अपनी साइड खींचते हुए निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, इसका ऊपर का कवर हट चुका है, और अभी हम क्या है यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऊपर से टॉप से देखने को मिलेगा कि क्या क्या सामान दिख रहा है इसके अंदर। तो मैं नॉर्मली आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सामान है जो कि दिख रहा है अभी आपको। ये तो यहाँ से तो फ्रंट का है, आपका पूरा पैनल दिखेगा कि यहाँ पे पीसीबी लगी रहती है जहाँ से आप कमांड देते हैं। बट ये आपका डिटर्जेंट ट्रे है, यहाँ पे आपकी रखी हुई है, देख सकते हैं डिटर्जेंट ट्रे, और ये पूरा उसका बॉक्स है जहाँ पे आपके डिटर्जेंट डालते हैं। ये है आपके वाटर इनलेट वॉल्व लगे हुए हैं जो कि पानी को अंदर ड्रम के अंदर, वॉश ड्रम के अंदर डालने का काम करते हैं। पानी कैसे मशीन में जाएगी वो उसका काम क्या है, आपके वाटर इनलेट वॉल्व भी करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये टब है, वॉश टब आपको दिख रहा होगा, और उसके ऊपर ये जो स्टोन दिख रहा है इसे बोलते हैं बैलेंसिंग स्टोन, जो कि आपकी क्या है, जब टब चलता है उसके बाद क्या है ये बहुत ज़्यादा नॉइज करेगा क्योंकि डिसबैलेंस होगा, तो वो डिसबैलेंस ना हो उसके लिए क्या है, बैलेंस बनाने के लिए हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे बैलेंसिंग स्टोन लगा रखे हैं। तो ये टी गोटी से ओपन हो जाएंगे, टी गोटी लाइए कि आपकी मशीन में होगी, आप उस नंबर की ले सकते हैं, क्या रिंग स्पैनर भी ले सकते हैं, टी गोटी रिंग स्पैनर, ओपन एंडेड स्पैनर से भी काम चल जाते हैं। और ये साथ ही साथ आपको इसके निकाल करके रख लेंगे क्योंकि ये बाद में फिर इधर उधर हो जाते हैं, तो जिस साइज का जो वो निकाल लेना है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट का निकालने के लिए हमें क्या है, यहाँ सबसे पहले डिटर्जेंट ट्रे को बाहर निकालना होगा, तो इसको नॉर्मली क्या है, अंदर पुश करके फिर बाहर झटके से खींचेंगे तो बाहर आ जाएगी। निकालिए इसको, तो ये बाहर निकल जाएगी नॉर्मली। यहाँ पे ये आपके देख सकते हैं क्या कि इसके अंदर लगे रहते हैं ऐसे ग्रिपिंग करने के लिए, लॉकिंग होता है, तो इसको नीचे पुश करके देन खींचेंगे आप तो ये इजिली बाहर आ जाता है। रख दीजिए इस डिटर्जेंट ट्रे को, और यहाँ देखेंगे आप तो क्या है, अंदर स्क्रू लगे रहते हैं, तो इन स्क्रू को भी एलन स्टार की मदद से क्या है आपको खोल लेना है। तो ले लीजिए, इधर का भी खुल गया ना, ठीक है। अभी आप देखेंगे फ्रंट का निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम होते हैं, तो इस साइड यहाँ बैक साइड में देखेंगे तो लॉक होता है, तो इसको हटा लेंगे हम, लॉक को हटा लेंगे। यहाँ देखेंगे नीचे बैक साइड में लगा हुआ है ये लॉक, हाँ बिल्कुल सही, तो ये निकल जाता है इजिली, बस लॉक को देखना है, लॉक को आपको तोड़ना नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको सबसे पहले। और अब क्या है, हम यहाँ से इसकी क्लैंप को खोलेंगे, इसको इस तरीके से नॉर्मली बैक साइड कर देंगे,
नोज प्लायर से या नॉर्मली हाथ से, क्योंकि ये लूज हो चुका है बार बार ही खोल के और बंद करके आपके वाले। जब अगर कोई नई मशीन होगी तो उसमें क्या है, इसमें टाइम लगेगा, तो नोज प्लायर से इसको इस तरीके से पुश करके बैक साइड करने लें और इसको पीछे खींच लेना है। तो इस पाइप को हटा लीजिए, डिटर्जेंट ट्रे बाहर निकाल लीजिए, तो पीछे कर लेनी है, बस हो गया वो वहाँ। ठीक है, अब ये नीचे क्या है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ क्लैंप लगी हुई है, तो अब इसको होल्ड कर दीजिए। हम डोर हटाएंगे और डोर हटाने के लिए पहले यहाँ देखेंगे कि डोर को क्या है, तुरंत कई बार लोग क्या करते हैं गलती, यहाँ इसके स्क्रू खोल करके, नीचे के स्क्रू खोल करके तुरंत ही अपने डोर को बाहर निकाल देते हैं। नहीं, उसके कारण क्या होता है, ऐसे ये इजीली बाहर नहीं आएगा, ये गैस्केट लगी रहती है प्लस ओरिंग लगी रहती है, तो पहले इस ओरिंग को हटाना होगा, उसके बाद ये गैस्केट हटेगी और फिर आपका डोर जो है वो बाहर आएगा। तो पहले इसको हटाने के लिए स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए और माइनस वाले स्क्रू ड्राइवर से इसकी ओरिंग जो लगी हुई है, इसको स्प्रिंग को हटाना पड़ेगा, स्प्रिंग वाली साइड से इसको ऊपर साइड उठाएंगे, माइनस वाला। हाँ जी, नहीं ये इसलिए बाहर आ जाता है, हाँ ऐसे, तो ये ओरिंग आपकी बाहर आ जाती है। और अब ये गैस्केट भी हटा लेनी है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, बहुत इजीली आ जाती है, ज़्यादा टफ नहीं है इसको, अभी लगाना भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि किस तरीके से रीअसेंबल करते हैं। तो ये तो हमने क्या है, गैस्केट हटा दी है, वो हट जाएगा। अभी क्या है, यहाँ पे आपके देख सकते हैं दो स्क्रू लगे हुए हैं और नीचे साइड भी होता है, कई बार लोग गलती करते हैं कि ऊपर खोल करके उन जब निकाल रहे होते हैं तो नीचे वो ध्यान नहीं देते हैं और वो अटक रहा होता है फिर, तो इसको थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा करेंगे और नीचे साइड में स्क्रू होते हैं, आप नीचे देखेंगे बैक साइड, नीचे साइड में इसके स्क्रू दिख रहे हैं आपको, हाँ स्क्रू वाले स्क्रू ड्राइवर से खुलेंगे यहाँ पर। इस तरीके से नीचे के खोलने के बाद अब इसको सीधा कर लीजिए और यहाँ के भी खोल लेने हैं आपको, फ्रंट के यहाँ देख सकते हैं ये ड्रेनेज के लिए होता है, वहाँ पे भी स्क्रू लगे होते हैं, उनको भी हटा लेना है आपने। अब ये अपर साइड के आपको नट हटा लेने हैं, उसके बाद यहाँ पे डोर स्विच लगा रहता है तो उसको, तो उस डोर स्विच को भी हटा लेना है, पीछे केबल लगी रहती है, जैक टू जैक होते हैं तो नॉर्मली जैक को आपके ओपन करके बाहर निकाल सकते हैं ईजिली। तो इस तरीके से ये पूरा देख सकते हैं, डोर बाहर आ जाएगा, उसको एक साइड रख दीजिए। अब यहाँ आप फ्रंट से देख रहे होंगे तो आपको बता देती हूँ क्या क्या पार्ट्स लगे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ गैस्केट लगी हुई है और ये क्या है, अपने डिटर्जेंट ट्रे की साइड वाले ये बॉक्स से कनेक्टेड है, इसको क्लैंप को हम ओपन करेंगे, इसको नोज प्लायर से इसको दबा करके नीचे साइड खींचेंगे और बाहर निकालेंगे। और ये फ्रंट में जो आप देख रहे हैं ये इसके फ्रंट के बैलेंसिंग स्टोन है, तो इसको भी टी गोटी की मदद से हम क्या बाहर निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं ये इस तरीके से क्लैंप निकालेंगे तो वैसे ही वो तुरंत इजीली बाहर आ जाएगा, हटा दीजिए उसको। अब टी गोटी की मदद से हम क्या है, पहले फ्रंट के बैलेंसिंग स्टोन हटाएंगे, उसके बाद फ्रंट की आपकी वॉश टब की गैस्केट को भी हटाएंगे। क्या ध्यान रखना है, तो आपको जब ये खोलने हैं फ्रंट के बैलेंसिंग स्टोन तो ये ध्यान रखना है कि कैसे हिसाब से लगा हुआ था, किस साइज का, क्योंकि देख सकते हैं दोनों में बहुत फर्क है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है, लेफ्ट में कौन सी साइड का लगा हुआ है और राइट साइड कौन सा है बैलेंसिंग स्टोन। देख सकते हैं इस बैलेंसिंग स्टोन में ऑलरेडी मेंशन भी है, बट कहीं कहीं कई बार क्या होता है मेंशन नहीं रहता है, तो आपको उस हिसाब से देख लेना है। हाँ हटा दीजिए उसको और वो उसके साथ ही साथ आपको भी इसके स्क्रू भी रखने हैं। तो ये देख सकते हैं ऑलरेडी हमने फ्रंट की अपनी बैलेंसिंग स्टोन हटा लिया। अब ये आप देखेंगे वॉश टब के यहाँ से अब क्या गैस्केट को हटाना है, उसके लिए यहाँ पे ओरिंग लगी है सेम एज इट इज़, जैसे आपने पहले वाली निकाली थी उसी तरीके से माइनस वाले स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इसको भी निकालेंगे। हाँ साइड कर, वेरी गुड, इसी तरीके से क्या है ये बाहर आ जाएंगी। हाँ वो आ जाएगी अभी से, और अब इस गैस्केट को भी हटा लेना है अंदर से भी और बाहर से भी, ऐसे कर रही है तो वो इजली बाहर आ जाएगी। हाँ बाहर से,
तो ये इजिली बाहर आ जाती है, सर ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। और यहाँ पे आप देखेंगे गैसकेट में क्या है लगाने के लिए, यहाँ मार्क भी किया हुआ रहता है, कहीं अगर मेंशन ना हो, वैसे तो ऑलमोस्ट एरो दे रखे होते हैं कि फ्रंट का किस साइड से है, तो इन एरो के हिसाब से ही आपको जब दोबारा रीअसेंबलिंग करनी है तो उसी तरीके से लगाना है। तो अभी रख दीजिए उसको साइड में। अब इसके बैक साइड में हम इसका बैक खोलेंगे और फिर क्या है पीछे मोटर के कनेक्शन को हटाएंगे, सारी वायर्स को हटाएंगे और टब बाहर निकालेंगे। ये देख सकते हैं ये ड्रेन की पाइप है, बैक साइड से निकल रही है। लॉक लगे रहते हैं तो लॉक को ध्यान देना है बस। ये देखिए बैक साइड पूरा ओपन हो चुका है और आपको मोटर दिख रही होगी, ये इसकी मोटर है, वी बेल्ट से कनेक्टेड है, ये ड्राइव असेंबली है। तो अभी हम वी बेल्ट हटाएंगे, तो ये देख सकते हैं वी बेल्ट निकाल दी है हमने। नॉर्मली जैसे साइकिल की चेन जो होती है लगाते हैं उसी टाइप से ये लगती भी है और निकालते टाइम भी वैसे ही हटाते हैं, बस अपनी उंगलियों का ध्यान रखना है आपको। और ये निकाल ली है हमने यहाँ प्रेशर सेंसर की यानी वाटर सेंसर की, आपकी पाइप जो है वो टब से जो कनेक्टेड थी उसको हमने बाहर निकाल ली है। और अभी नीचे की हम क्या है ये शॉकर सस्पेंशन खोलेंगे, तो इनको भी टीगोटी की सहायता से निकाल देंगे ताकि हम अपने पूरे टब को बाहर निकाल दें। अब यहाँ देख सकते हैं ड्रेन पंप में आपकी ये जो ड्रेन की पाइप लगी हुई है इसको हटा देना है। तो ये यहाँ देखेंगे इस पे, तो इसको लूज करेंगे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, ये तो ये लूज हो जाएगा। उसके बाद इसको क्लैंप को नीचे साइड पीछे साइड खींच लेना है, उसके बाद ये इजली बाहर आ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है हमने। और अभी क्या है हम बैक साइड में जा करके अपनी मोटर के सारे कनेक्शन हटा देंगे। तो अभी इसके हमें क्या है मोटर के वायरिंग कनेक्शन हटाने हैं। यहाँ देख सकते हैं ये हीटर लगा हुआ है और थर्मिस्टर है, इसके कनेक्शन हटा लिए। नीचे मोटर की जैक टू जैक लगी होगी बैक साइड में और होल सेंसर की जैक होगी, तो उनको हटा लेना है आपको। तो ये देख सकते हैं हमने ऑलरेडी हटा लिया है। अब हम मोटर अपनी वॉश टब को बाहर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि बैक साइड के कनेक्शन हमने हटा लिए, तो कनेक्शन का ध्यान रखना है, वायर सारी आपको हटा लेनी है, सोकर सस्पेंशन को खोल लेना है, उसके बाद अपने वॉश टब को हटाना है। अभी इसके अपर ये देख सकते हैं अपर शॉकर सस्पेंशन है, इसको उठा करके बिल्कुल सीधे से बिल्कुल स्ट्रेट रख करके बाहर सीधा निकल जाएगा, स्ट्रेट स्ट्रेट बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर नहीं, तो इजीली बिल्कुल सीधे में निकल जाता है। बिल्कुल सीधा रखना होता है, बस शर्त यही है अगर आप टेढ़ा करते हैं तो वो अटकती है। इस तरीके से ये देखिए पूरा बाहर आ गया है, अब इसको निकाल दीजिए बैक साइड कर दीजिए। अभी आपको बताती हूँ मैं कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे के नीचे आपकी मेन पीसीबी आपको दिख रही होगी, पूरा सिस्टम हमने बाहर निकाल दिया है आप देख सकते हैं। और ये नीचे जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रेन मोटर है और डोर स्विच है नीचे हमने बैक साइड में रखा है ये जो देख सकते हैं। और ये इसकी ड्राइव असेंबली है और ये इसकी मेन मोटर है, मेन मोटर को हटाना चाहें आप तो यहाँ से ये टीगोटी के थ्रू निकल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हीटर है और साथ ही साथ थर्मिस्टर भी लगा हुआ है। सकते हैं कि आपने क्या आज सीखा कि किस तरीके से डिसअसेंबल करना होता है और कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स कवर किए हैं, बताया है आपको कि किस किस तरीके से आपको कौन सी चीज़ पहले खोलनी है, कौन सी चीज़ बाद में खोलनी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कि आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं और हम जरूर उस चीज़ को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज आती है। और जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी इसको रीअसेंबलिंग करते हुए, मतलब कि इसको दोबारा पैक करते हुए कि किस तरीके से अगर फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन को पैक किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही और बने रहिए हमारे साथ और आज धन्यवाद।